नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। 1 फरवरी 2022, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। बजट के एक दिन बाद ही सोने के भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही चांदी के रेट भी मामूली गिरावट हुई। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के भाव में 0.25% की गिरावट हुई है। चांदी भी 0.01% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। दिल्ली में बारिश के समय हल्की हवाएं भी चली, जिसकी वजह से ठंडक और बढ़ गई। मौसम विभाग IMD ने 2 दिनों तक दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में भी गुरुवार सुबह बारिश हुई। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से गुरुवार सुबह एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को छोटे से शक में ऐसी मौत दी जिसके बारे में सुनकर भी किसी के रूह कांप जाए। यही नहीं, इसके बाद आरोपी पति ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। सतंगबीर नगर जिले में 15 दिन पूर्व मोहली क्षेत्र के बुलडूहा के लापता हुए युवक का शव सोमवार को सिवान में स्थित पोखरे में मिला। युवक की मौत की वजह को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है, जबकि पुलिस की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। आइए बढ़ते हैं अब कोविड अपडेट्स की तरफ। भारत में बुधवार को पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 1,61,386 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,733 लोगों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।